हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूस किचन। आज का रेसिपी रोटी लोट। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉर्मल जो रोटी बनता है घर पे, वही रोटी से आज रोल बनाऊंगी। तो कैसे बनाते हैं चलो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं रोटी ले लिया, रोटी का रोल बनाऊंगी। तो इसके लिए रोटी ले लिया, ये मेरा फ्रेश रोटी है। आप लोग लेफ्ट ओवर रोटी भी ले सकता है, जो रात के बचे हुए रोटी भी ले सकते हैं। तो रोल कैसे बनता है चलिए दिखाती हूँ। रोल का स्टफिंग बनाने के लिए बॉइल पोटैटो ग्रेट करके रखा, ऑनियन, ग्रीन चिली और हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा, साथ में ड्राई मसाला यूज़ करूँगी। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली पाउडर और ये है सांभर मसाला और ये है चाट मसाला, ये है रोस्टेड जीरा पाउडर। सारे मसाला को साथ एक साथ मिक्स करके तैयार कर लेती हूँ। सारे चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। स्टफिंग तैयार कर लिया। अभी एक बाउल में एक चम्मच मैदा लिया और दो चम्मच पानी लेके घोल बना लेती हूँ। ये ग्लू का काम करेगा रोटी को चिपकाने के लिए। पहले रोटी का रोल बना लेती हूँ। तो एक रोटी ले लिया, उसके ऊपर जो स्टफिंग बनाया वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। इसे रोटी में अच्छी तरह से चारों साइड स्प्रेड कर दिया। तो अभी रोटी का एक साइड से ज़्यादा भर के नहीं लगाने का और ऐसे एक रोल रोटी का बना लेने का। और जो एंड पॉइंट है तो उसमें जो मैदा का घोल बनाया ऐसे अच्छी तरह से लगा लेने का और ऐसे सारे रोल को बना लेती हूँ पहले। और एक बार दिखा देती हूँ, एक रोटी के ऊपर स्टफिंग अच्छी तरह से स्प्रेड कर देने का। अभी अच्छी तरह से जैसे स्प्रेड हो गया, एक किनारा उठाने का और ऐसे रोल करते जाने का। और लास्ट एंडिंग को ऐसे जो घोल बनाया था वो ऐसे ऐड करके ऐसे बना देने का। तो ऐसे सारे रोल बना लेते हो पहले। तो ऐसे सारे रोल बना लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया, उसमें ऐड किया बेसन आधा कप, 1/3 कप चावल के आटा और साथ में ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ऐड करूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक घोल बना लूँगी। जो बेटर बनाया ऐसे ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि रोटी के ऊपर कोटिंग लगना चाहिए। तो ये बैटर तैयार हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ऑयल गर्म हो गया, अभी जो रोटी रोल बना के रखा था ऐसे जो मिक्सचर बनाया उसमें डिप करूँगी, अच्छी तरह से कोट कर लूँगी और फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। ऐसे दो भी ऐड कर सकते हैं, एक भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे रोल के ऊपर गर्म हॉट ऑयल ऐसे ऐड करते जाने का
वो दोनों साइड अच्छी तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। और फ्लिप कर देने का और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेने का। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी रोल बन के रेडी हो गया। अभी टिश्यू पेपर में निकल लेती हूँ। रोटी रोल बन के रेडी हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है, अंदर से फीलिंग्स भर भर के देख ही सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बना है।